हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। आज 3 मूवीज रिलीज हुई हैं जिसका नाम है राम सेतु, थैंक गॉड और हर हर महादेव, जो कि मराठी मूवी है और हिंदी डब में भी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर जो मूवी बहुत अच्छा कर रही है वो है कंतारा। अब देखो, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने के लिए, मेरे पास ये भी इन्फॉर्मेशन है कि डे वन में इनकी क्या कलेक्शन हुई या कंतारा के कितने कलेक्शन हुए डे 26 के अंदर, बट एडिशनली एट किस पॉइंट पे ये जाके ये मूवीज हिट साबित होंगी थिएटर्स के अंदर, ये भी पूरा मेरे पास बिजनेस एनालिसिस है। आई थिंक वो मैं आपको अलग से शेयर करूंगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो की आप प्लीज वेट करना। मैं आपको कल तक राम सेतु का पूरा बिजनेस एनालिसिस और थैंक गॉड का भी और साथ ही साथ में हर हर महादेव का भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर ये सारे की सारी चीजें आपके लिए कवर करके देंगे। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो एंटिसिपेशन है आपका कि डे वन में क्या कलेक्शन हुई, क्या मेकिंग कॉस्ट थी, वो मोटा मोटा आपको तरीके से बता देता हूं। तो पहले शुरू करते हैं कांतारा से, जो कि डे 26 के अंदर भी 8.5 करोड़ रुपए कमाए। आज छुट्टी का दिन था, उसका पूरा फायदा मिला इस मूवी को। कल 177 करोड़ था, जो कि इंक्रीज होकर 185 करोड़ रुपीस हो गया और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 235 करोड़ रुपीस। बहुत ही जल्दी 250 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हो जाएगा और हिंदी के अंदर भी 1.5 करोड़ रुपए ऐड हुए, जिसकी वजह से 25.5 करोड़ रुपीस हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इसकी कन्नड़ा लैंग्वेज का इवनिंग शो का ऑक्यूपेंसी है वो करीबन 80% तक गया है आज। तो लोग तो काफ़ी टूट रहे हैं इसके ऊपर अभी भी। अब अगर वही बात करें, अगर हम थैंक गॉड का, तो थैंक गॉड का जो डे वन का जो कलेक्शन आया हुआ है लगभग 8.5 करोड़ रुपये, ये करीबन 2500 स्क्रीन्स के अंदर रिलीज हुई थी और इसकी मेकिंग कॉस्ट लगभग 90 से 100 करोड़ रुपीज़ है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया है ए फिल्म ने और इसके जो राइट्स भी हैं वो अमेजोन के पास हैं। ऑक्यूपेंसी लेवल थ्रू आउट जो है वो लगभग ऑन एन एवरेज 22% के आसपास रहे हैं। इसका मैं आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस के किस पॉइंट पे ये हिट होगी, फ्लॉप होगी, ओटीटी राइट्स का प्राइस क्या, ये सब चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे। आज जो है आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया कि इसका जो डे वन है ठीक ठाक स्टार्ट है 8.5 करोड़ रुपये की, क्योंकि इसका जो पहले कलेक्शन एडवांस में आया था वो सिर्फ 1 करोड़ रुपए था, उसके हिसाब से 8.5 करोड़ रुपए एक अच्छा स्टार्ट है। आई थिंक अभी भी बहुत से लोग विश्वास रखते हैं एक फैमिली मूवी के ऊपर और साथ ही साथ में अजय देवगन की फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद अगर हम बात करें हर हर महादेव की, उसका डे वन का कलेक्शन भी अच्छा आया है, ये करीबन 2 करोड़ रुपये इसने कलेक्ट करें, लेकिन ज़्यादातर जो कलेक्शन आई है वो मराठी वर्जन से आई है। मैं थोड़ा हैरान हूँ कि इतनी अच्छी मूवी का हिंदी वर्जन में कुछ ज़्यादा कलेक्शन नहीं आया, बहुत ही 10-15 लाख रुपए ही आया है। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको कल बता दूंगा, बट ये मूवी वैसे भी ज्यादा महंगी नहीं बनी थी, 17 करोड़ रुपए के आसपास बनी थी। लेकिन जब आप देखोगे आपको 17 करोड़ की फीलिंग नहीं आएगी, आपको बहुत ज्यादा वाली फीलिंग आएगी। वहीं अगर आप बात करें कि राम सेतु का क्या हुआ, राम सेतु एक एक्सपेंसिव मूवी है, करीबन 130 करोड़ रुपए के बजट में बनी है। इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जी स्टूडियोज हैं। OTT वगैरह के बारे में आपको कल बताऊंगा। और डे वन का जो कलेक्शन आया है इसका 14.5% रिपोर्ट हो रहा है। काफ़ी नेगेटिविटी इसकी होनी शुरू हुई, जिसकी वजह से जो मॉर्निंग शोज थे वो करीबन 15% फिट थे, आफ्टरनून में थोड़ा वर्ड ऑफ माउथ से 28% तक गया और इवनिंग शो आते आते करीबन 40% तक ऑक्यूपेंसी होगी, विच इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब अगेन आई एम सेइंग थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, जहाँ मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि राम सेतु क्या हिट हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है। सो इज़ फॉर थैंक गॉड एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस हर महादेव। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट वीडियो की वेट करो और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना, या फिर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम के ऊपर भी कनेक्ट कर सकते हो जहाँ मेरा हैंडल मूवी शो है। बाय बाय।